अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। हम हवाद और आज की वीडियो जिस तरह से आपने थंबनेल देख लिया कि यार अबाउट डेबिट कार्ड है, जो कि यार बैंकिंग के लिए अगर आप जाएं तो बहुत मुश्किल से आपको मिलता है, स्पेशली वीज़ा और मास्टर कार्ड। तो उसके लिए आपको आपकी अगर बैंक अकाउंट आप खुलवाना चाहते हैं उसका आपको बिजनेस प्रूफ चाहिए होगा या फिर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होगा। तो डिफरेंट इस तरह के जितने भी बैंक है पाकिस्तान में, सबसे जहाँ जहाँ भी आप जहाँ के अपना अकाउंट बनवाना चाहेंगे, वीज़ा का कार्ड लें या फिर मास्टर कार्ड लें, तो आपको आपको सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होगा और साथ में ही बिजनेस कार्ड वगैरह या समथिंग एल्स चाहिए होगा। तो साथ में जब आप अकाउंट खुलवा लेते हैं तो आपको मिनिमम अमाउंट भी रखनी होती है उसमें कुछ। तो ये सब झंझट है और मैं इन चीज़ों को फेस कर चुका हूँ, और उन्हीं चीज़ों को फेस करने से बेहतर है कि कोई ऐसा अल्टरनेटिव चीज़ देखी जाए, जो कि बैंक अकाउंट भी आपको ना बनाना पड़े, सिंपल आप नंबर पे सब कुछ कर सके और आपका डेबिट कार्ड हो, सॉरी मास्टर कार्ड हो या वीज़ा कार्ड हो, आपको फ्री में भी मिल जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ और डिटेल बताने वाला हूँ कि भाई आप किस तरह से बैंक अकाउंट से बच के ये कार्ड हासिल कर सकते हैं, जिसमें आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान में रह के करें चाहे पाकिस्तान से बाहर करें। स्पेशली आप गूगल पे एड्स, मैं स्पेशली अपना बता रहा हूँ कि एक गूगल एड्स पे मुझे पहले कार्ड चाहिए होता था, वो कार्ड हर कोई से लगता नहीं था। तो बैंकिंग हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसे माशाल्लाह है कि क्या ही उनका कहना है, MCB हो गया, एलाइड हो गया, MCB, एलाइड, मिर्जान, ये जितने भी बैंक हैं, एल्फला हो गया, मैंने सब बैंक जो है ना ट्राई किए हैं और सब में एक ही जवाब मिला मुझे, सोर्स ऑफ इनकम। और सोर्स ऑफ इनकम के होने के बाद भी फिर आपको मिनिमम अमाउंट रखनी पड़ती, बहुत लंबे प्रोसेस में शुरू हो जाते हैं। तो इसी को अल्टरनेटिव देखते हुए मैंने एक कार्ड यहाँ पर मंगवाया, जिससे आपको पता है कि सादा पे एक ऐसी एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको आपके मोबाइल नंबर पे आपको अकाउंट प्रोवाइड करती है आपको आपका, एंड साथ में आपको एक डेबिट कार्ड, सॉरी नॉट डेबिट कार्ड, यस डेबिट कार्ड है लेकिन मास्टर कार्ड है आपको वहां से फ्री देती है। एक नया पे है एंड सेकंड जो है वो सादा पे। तो सादा पे में मैंने काफ़ी पहले से रजिस्टर्ड किया हुआ था और कुछ दोस्तों को भी इनवाइट किया था, जिसकी वजह से मेरा जो नंबर है वो 28,000 पे पहुंच गया था, जबकि मेरे दोस्त का जो नंबर है वो 1 लाख प्लस है। तो जब उसका नंबर आएगा तब उसकी बारी आएगी और उसको भी ये कार्ड जो है डिलीवर कर दिया जाएगा। इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। अब बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि यार भाई आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो आपकी वीडियो देखते देखते हम सो जाते हैं। तो भाई मैं जो भी वीडियो बना रहा होता हूँ ना, तो इस वीडियो में एक चीज़ ऐसी होती है कि मैं डिटेल्ड सब कुछ आपको इसमें कवर अप करता हूँ, दैट्स व्हाई मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। अगर मैं जस्ट ये आपको ऊपर ऊपर से जितनी भी चीज़ें हैं सामने सामने बस जल्दी जल्दी करता जाऊँ तो वीडियो 8 मिनट की भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं इसी वजह से मेरी वीडियोज़ लंबी हो जाती, क्योंकि मैं डिटेल इन डेप्थ हर चीज़ जाता हूँ। तो अब हमारे पास ये कार्ड आ चुका है, सिंपल पैकिंग है, इसमें ज़्यादा कोई शशके वगैरह नहीं है, मेरा एड्रेस वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, और कुछ भी नहीं है, जस्ट वाइट है। और अब इसको ओपन करते हैं। यहाँ से ओपन करने से पहले मैं इसको बताता चलूँ आपको कि इसके बाद जैस कैश के कार्ड की भी डिटेल वीडियो आएगी, क्योंकि मैं जैस कैश का भी मास्टर कार्ड ऑर्डर कर चुका हूँ और वो आ भी चुका है, और उसका बताऊँगा कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, और नया पे जो हमारे पास है उसका भी आपको डिफरेंस बताऊँगा क्या है। तो अभी हम लोग जस्ट सादा पे रह के काम वीडियो बनाते हैं, मतलब कि चीज़ें देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। बॉक्स यहाँ से खाली, इसको साइड पे करते हैं, और सादा पे की एक बुक टाइप की यहाँ पे हमें एक मिलती है। तो मतलब काफ़ी अच्छा डिज़ाइन मुझे यहाँ पे इनका लगा है, मतलब कि इनका यहाँ पर वेबसाइट का लिंक दिया गया। ओह क्या ज़बरदस्त, यहाँ पे आपको एक अच्छी एक चीज़ प्रोवाइड की जाती है, मतलब कि अब एक कार्ड है ना, आप इसको यहाँ से खींचते हैं ना तो वो कार्ड जो है आपका सिंपली यहाँ से ही तरफ एक ही तरफ से निकलता है, जब यहाँ से आप इस चीज़ को खींचते हैं तो आपका जो मास्टर कार्ड है वो इस साइड से निकलता है। तो मेरा मास्टर कार्ड यहाँ से इस तरह निकलता है, मतलब काफ़ी अच्छा है, एक यार फील आ रहा है कि मतलब यहाँ से आप इस तरह से इसको निकाल रहे हैं जैसे आप अंदर कर रहे हैं, तो मतलब एक यूनिक सी चीज़ उन्होंने यहाँ पर बनाई और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि भाई अब जो मोस्टली डेबिट कार्ड वगैरह आते हैं वो एक इस तरह की पैकिंग में वो इनवेलप में आते हैं, इनवेलप में आप ओपन करते हैं बस कार्ड आपका चिपका हुआ होता है, और मतलब कि एक स्टाइल जो पुराना वाला है उस तरह का, बट ये वाला जो कार्ड है इसको आप यहाँ से इस तरह से निकालते हैं तो आपका जो कार्ड है वो ऊपर वाली साइड से निकलता है, और यहाँ पर
आपका डेबिट कार्ड मास्टर कार्ड सॉरी पड़ा रहता है और साथ में नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर वन ऑफ द फर्स्ट थैंक फॉर द बीइंग विद अस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो यहाँ पर सिंपली सादा यहाँ पर शुक्रिया अदा किया जा रहा है, तो देखते हैं कितना निकलता है। और अच्छा यहाँ पर ये फिक्स है तो ये ज़्यादा नहीं निकलेगा, बस इसकी एक हद है यहाँ पे। और मास्टर कार्ड हमारा यहाँ पर ये रहा, तो हम यहाँ पर मास्टर कार्ड निकालते हैं। तो वेयर इज़ माई नंबर, यहाँ पर इसका नंबर वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया, जस्ट आपका एक मास्टर कार्ड सॉरी डेबिट कार्ड जो कि यस डेबिट कार्ड मास्टर कार्ड आज का मेरे लैंग्वेज जो है मैं मास्टर डेबिट में थोड़ी ज़्यादा जा रही है क्योंकि भाई इन्हीं चीज़ों में आजकल मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बन रही हैं, तो दैट्स व्हाई मतलब वीडियोस नहीं भी बन रही हूँ बट ये कि इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम मेरा गुजरता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास मास्टर कार्ड आ चुका है, तो मास्टर कार्ड हमारा ऊपर नंबर वगैरह बिल्कुल भी नहीं दिया गया, इसमें कुछ भी नहीं दिया गया, ना फिर CVC कोड जो उनका होता है वो दिया गया, ना इनका हमारा यहाँ पर नंबर जो होता है वो दिया गया। अब यहाँ पर अब सोच रहे होंगे यार इस मास्टर कार्ड का फिर हमें फ़ायदा क्या है। अब सादा पे जो है ना यहाँ पर सादा पे की आप वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो सादा पे की वेबसाइट पे वर्चुअली कार्ड जो होता है हमारा, तो वहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट्स और सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आप भी चल रही है, जब मास्टर कार्ड में ही ये लोग ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करे तो मास्टर कार्ड हमें दे क्यों रहे हैं और क्यों हमें इन्होंने लिस्टिंग पे रखा हुआ है। तो आपको बताना चाहूँगा कि वर्चुअली जो है ना वो ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर रहता है कंपेयर टू दिस वन। ये भी अच्छा है बट वर्चुअली आपको जब पेमेंट करनी होती है आप वहाँ से देखते हैं CVC कोड लगाते हैं, वहाँ से ही आप उसका आपको वेरिफिकेशन कोड जाते हैं, तो वहाँ से आप एक्सेप्ट करते हैं और आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है। ऑनलाइन में आपको पता है ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्कैम्स वगैरह भी होते हैं, दैट्स व्हाई सादा पे का ये चीज़ बहुत अच्छी रखी। अब यहाँ पर ये जो कार्ड है आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो दो तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ATM के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपके सादा पे में पड़े हो आप किसी भी ATM में जाके जहाँ पे वन लिंक सपोर्ट करता हो तो वहाँ से आप इजीली पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। सेकंडली आप POS वगैरह पे रेस्टोरेंट या फिर शॉपिंग वगैरह करने जाएं कहीं, वहाँ से आप सिंपली इसको स्वीप कर सकते हैं और इसको यहाँ से यूज़ करते हैं। बाय द वे इसकी जो ओवरऑल मुझे लुक है काफ़ी पसंद आई है, सबसे यूनिक। एक तो पहले इन्होंने यहाँ पर ये यूनिक सा एक कार्ड हमारा ओपनिंग का यहाँ से आया, एंड सेकेंडली जब कार्ड को देखा तो मतलब कार्ड भी काफ़ी सिंपल है। मास्टर कार्ड के यहाँ पर आपको लोगो दिया जाता है, लोगों के साथ डेबिट मेरा नाम आ रहा है एंड बैक हैंड पे कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं, इशू बाय सादा टैक पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर कुछ सादा पे के बारे में बताया गया है, ये हमारा डेबिट कार्ड और काफ़ी अच्छा मुझे लगा और काफ़ी पसंद भी आया है। तो अब सवाल है कि भाई आपको नंबर कब मिलेगा। नंबर ये है कि सादा पे स्लो स्लो जो है अपने जो कस्टमर्स हैं उनको कार्ड डिलीवर कर रहे हैं, तो आपका भी नंबर आएगा। अगर आपने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया तो आप 2 लाख प्लस चले जाओगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट पे आ रही है। तो मैं 28,000 पे था और मेरा सिक्स मंथ पहले मैंने रजिस्टर किया, तो अब जाके मेरा नंबर आया। तो खुद सोच लें फिर आपका नंबर कब आएगा। हो सकता है कि ये इन फ्यूचर में अपनी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा कर दें और आपका नंबर जो है वो जल्द अज जल्द आ जाए, लेकिन आपको अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं किया हो तो अभी जाके रजिस्टर करें और अपना सादा पे का कार्ड ले लें। अब सादा पे का कार्ड आपने ले लिया, ठीक है, इसको आप यहाँ से यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप SOP या फिर ATM विड्रॉ ले सकते हैं। और साथ में अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी है तो आप सादा पे की ऐप पर जाएंगे जहाँ से वो आपको एक्सेस देंगे आपके वर्चुअल कार्ड की। तो वर्चुअल कार्ड का मैं जो सारा प्रोसेस है साथ में यहाँ पर दिखा भी दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि वर्चुअली किस तरह से आप जाएंगे, किस तरह से सब कुछ है। मैं आपको अपना बता दूंगा, अपनी जो मुझे उन्होंने एक्सेस दी है उसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा या फिर पूरी एक प्रॉपर वीडियो बना के साथ में ही अटैच कर दूंगा ताकि आपको पता चलता रहे यार कि किस तरह से आप जाके पेमेंट करेंगे। वर्चुअली कार्ड होगा, वर्चुअली कार्ड पे आप अपनी सब कुछ ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह जो होंगी वो कर सकेंगे। तो अच्छा लगा, सबसे यूनिकनेस थी इस चीज़ में, मतलब काफ़ी यूनिक था। और सादा पे अब आहिस्ता आहिस्ता छा रहा है और नया पे भी है, तो वो कार्ड भी मैं मंगवा चुका हूँ, वो भी आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। साथ में जैस कैश का भी बताऊंगा कि जैस कैश का जो मास्टर कार्ड है किस काम का है, किसी काम का है भी है या नहीं, तो सब कुछ बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो होप सो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, थोड़ी लंबी है लेकिन यार इन डेप्थ सब कुछ बताना
चाहता हूँ मैं और बताता भी हूँ। तो होप सो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।